श्रीनाथ जी गुरु जी को अलख आदेश, माँ भगवती को अलख आदेश, रांची वाले भैरव बाबा को अलख आदेश, आप सभी को आदेश आदेश। आज होलाष्टक का अंतिम दिन है और कल होली होगी। मिला जुला कर ये भी नौ रात्रियों का एक संयोग बनता है, जिसमें तंत्र और विपरीत तंत्र का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस बीच में कई लोगों से बात होती रहती है, तो किसी का कोई कार्य, किसी का कोई कार्य, तो हम उनको समझाते थे, देखो अभी होलाष्टक चढ़ गया है, तो उनको समझ में ही ना है कि ये क्या नया चीज़ है। ये नया चीज़ नहीं है। तंत्र के बंधन में कुछ रात्रियों को महारात्रि माना जाता है, जैसे शिवरात्रि, आज की रात्रि जिस दिन होली का दहन होता है, होली आज माना जाता है तंत्र के हिसाब से, होलिका का दहन। नवरात्रि, उसमें भी जो निशा पूजा होता है, अष्टमी नवमी की जो मध्य रात्रि होती है, दीपावली के एक रात पहले की पूजा, ये तंत्र में महारात्रियों के संज्ञा में आता है। और जो तैयारियां आप 8 दिन में करते हैं, उसका आज पूर्णाहुति होता है। होलाष्टक को या आज होली को इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि जो ऐसी साधनाएं हैं जिसको करने में आपको आम तौर पर 9 रात लगे, 10 रात लगे, वैसी साधनाओं को आप आज सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के संयोग पर या फिर दीपावली की रात्रि में कर सकते हैं। अब क्योंकि आज मैं बिल्कुल ही अंतिम दिन आप लोगों को साधना दे रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को सामग्री नहीं बताऊँगा। बहुत कम सामग्री में आप एक वशीकरण तेल को सिद्ध कर सकते हैं आज रात। तो आपको क्या क्या चाहिए होगा? आपको इसके लिए चाहिए होगा सिंदूर, सिंदूर, रोली और तेल। ठीक है, तेल जो है वो चाहे तो आप तिल का रख सकते हैं या फिर सरसों तेल का। ठीक है, साधना करने के लिए आपको पश्चिम दिशा चुनना है, ठीक है, या उत्तर भी आप चुन सकते हैं। आसन आपका लाल होगा, मूंगे की माला होगी। अगर मूंगा माला ना मिले तो लाल हकीक का प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। बेहतर ये होता है कि आप लाल वस्त्र पहने, या फिर अगर लाल वस्त्र नहीं पहन सकते हैं तो वो वस्त्र पहने जो आपको बहुत प्रिय है। रात्रि 10:30 बजे के बाद पश्चिम की तरफ मुख करके बैठ जाएं और सबसे पहले गुरु का पूजन करें। कोई मंत्र नहीं अगर आपको आता है तो हाथ जोड़ करके बाएं कान की ओर ले जाएं, बाएं कान के बगल में, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम परम गुरुभ्यो नमः, ओम परापर गुरुभ्यो नमः, ओम परमिष्ट गुरुभ्यो नमः। और जो चैनल देखते हैं उनको पता है कि वो ध्याये शिष्ये शुक्लां भजम द्विनेत्रं द्विभजं गुरु श्वेतांबर परिधानं श्वेतमाल्येऽनुलेपनं वाराभ्यं करहस्तं करुणामय विग्रहं वामे न उत्पन्नं ध्याये शक्ति आलिंगत विग्रहं सुप्रसन्न साधक अभिष्ट फलदायक तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो तांत्रिक साधक है वो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। उसके बाद अपने दाहिने कान के बगल में प्रणाम करें और ओम श्री गणेशाय नमः, या जो तांत्रिक साधक हैं, ओम वक्रतुंडाय हुम फट, इस मंत्र का जाप कर लें। अगर आपको गुरु मंत्र मिला हुआ है, ठीक है, तो इस सारे विधान के बाद 4 माला गुरु मंत्र का किया जाता है। जिनके पास गुरु मंत्र नहीं है वो देव नाम का 4 माला जाप करेंगे। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो शिव 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 शिव, अगर आप भगवती के भक्त हैं तो दुर्गा 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 दुर्गा, ये नारायण के भक्त हैं तो नारायण 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 नारायण, है ना। हनुमान जी के भक्त हैं तो हनुमान हनुमान, अगर भैरव के भक्त हैं तो भैरव, ऐसे करके जाप करते हैं। जब 4 माला कर लेंगे तो 2 दीपक लेंगे नया मिट्टी का, और 1 कटोरी लेंगे, कासे का हो, मिट्टी का हो, या किसी भी चीज़ का, एक कटोरी होना चाहिए। जो सिंदूर और रोली है इनसे दोनों दीपक को भरें, ठीक है, और जो कटोरा है उसमें जो तेल आपने लाया है उसको भर देंगे।
और भरने के बाद फिर से चार माला, ठीक है, जो गुरु मंत्र है उसको जाप करें, या फिर जो भी ईष्ट देव हैं उनका जो नाम है उसको जाप करें, शिव 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 शिव, दुर्गा दुर्गा दुर्गा, नारायण नारायण नारायण, गणपति गणपति, मतलब तो जो भी आप पंच देवता में जिनको मानते हैं उनका जाप करें, या फिर अगर कोई ईष्ट देवता को मानते हैं तो उनको आप जाप कर लें। और एक माला जो है वो अपने गुरु को समर्पित कर दे, तो कितना हुआ, पांच माला का जाप। जो जिनके पास गुरु नहीं है, क्योंकि मैं मंत्र दे रहा हूँ तो आप मुझे समर्पित कर सकते हैं। इन सबको करने के बाद जो आपका लाल हकीक का माला है, या फिर आपके पास अगर मूंगे का माला है, उसमें पांच माला आप जो मंत्र बोल रहा हूँ थोड़ा लंबा है इसको लिख लेंगे, ठीक है, इसका जाप करेंगे। ओम नमो आदेश गुरु जी को रोरो जोगिनी रोरो काली ब्रह्मा की बेटी इंद्रा की साली, इंद्र की साली भी बोलते हैं, इंद्रा की साली बंगाली ने लिखा है, सुख घट जावे ताली 64 जोगिनी अंग अंग मुदी स्त्री पुरुष लगावे तेल राय तेल क्या करे खेल अग्नि बीज माया निलगित 64 योगिनी के आन पढ़ाई छोड़ छोड़ गौरी हिराऊं केवट आवे गौरी हमारी खाट मोह मंत्र छूटा जय तो गुरु गोरखनाथ को मांस खाई फूरो मंत्र ईश्वरो वाचा फूरो मंत्र ईश्वरो मंत्र वाचा। ये पूरा करने के बाद जब भी इस मंत्र का आपको प्रयोग करना है, जब भी आपको इच्छा है कि किसी पे प्रयोग करें, तो एक माला इस मंत्र का आपको फिर से जाप करना है, ठीक है, और जो तेल आपने पहली बार सिद्ध किया है उस तेल को जो भी व्यक्ति है जिसको आप सम्मोहित करना चाहते हैं, अपने वश में लाना चाहते हैं, उसके वस्त्र में लगा दे बिना उसको बताए। जो रोली और सिंदूर आपने सिद्ध किया है उसको आप आम दिनचर्या में रोज़ लगा सकते हैं, और क्योंकि दो आपने दो दीपक भर के रखा है तो ये एक साल तो आप लोगों का जाएगा ही, है ना। इसमें एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि वशीकरण का कहीं से भी मतलब ये नहीं होता है कि आप किसी को हिप्नोटाइज कर लें, है ना, कि आप जो बोले वही करें। वशीकरण का सामान्य अर्थ ये होता है कि आप के विरोध में व्यक्ति ना जाए। अगर आप सही हैं तब भी कोई विरोध आपका कर रहा है तो ऐसे लोग आपका आपके विरोध ही नहीं होते हैं, आपका विरोध नहीं कर पाते हैं, बस इतना ही होता है वशीकरण। आज के लिए इतना ही। जिनको पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनको बेसिक साधनाएं सीखनी है, वो मेरे पेड व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकता है। नंबर है 9431188585। इसमें हम आपको साधना के शुरुआती आयाम को बताते हैं। जिनको मेरा लिखा हुआ आर्टिकल पढ़ना है, आगे का कार्यक्रम जानना है, वो www.aghortantrarahasya.com पर लॉगिन कर सकता है। डायरेक्ट बात करने के लिए कॉल मी फॉर ऐप पर जाइए, उसमें rudranath@cm4 सर्च करेंगे तो आपको मेरा प्रोफाइल मिलेगा। बहुत इमरजेंसी हो तो 9431188585 पर आप मैसेज भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। माँ भगवती और भैरव बाबा आप सभी को अनंत खुशियाँ दे। आप सभी को आदेश आदेश अलग आदेश।